की न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आज की न्यूज। आज किनवट के वेलमापुरा वार्ड रमेश टाकिस के पीछे माजी नगर अध्यक्ष वेंकट राव ने मन्यवार के पुराना जानवरों का घोड़ा आज 1 नवंबर को दोपहर 12 बजे अचानक आग लगी। ये आग इतनी भयानक थी कि इस आग ने बाजू के दो घरों को जलाना शुरू किया। आसपास के लोगों ने इसको बुझाते हुए नगरपालिका को इसकी खबर दी। नगरपालिका की फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई। इस भयानक आग ने बाजू के पड़ोसी विधवा शकुंतला विलास कुलकर्णी उम्र 75 साल, इनका घर और इनके देवर श्रीकांत कुलकर्णी उम्र 68 साल, इन दोनों के साथ साथ वो कोठा भी जलकर राख हो गया। इस आग में 10 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। इस विधवा का सहारा कोई नहीं है, इनका नुकसान भरपाई शासन दे, ऐसी मांगनी इन्होंने की है। आग को बुझाने में किनवट के बहुत से नौजवान लड़कों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इनके घरों पर पानी डाला और बहुत मेहनत की। इस आग को बुझाने में 3 घंटे लगे। इन नौजवानों का नाम फखरुद्दीन बड़गुजर, गोविंद सावकार स्वामी, राजू कलगुटवार, विशाल निम्मन्नीवार, अहमद खान, संतोष बंकट्टीवार, यूसुफ खान, किरण, शैलेश, खलील, अशोक, अबू बकर, अज्जू, वेंकट, राजू और भी बहुत से लोगों ने इस भयानक आग को बुझाने में मदद किए हैं। इस भयानक आग की खबर किनवट निवासियों को लगी तो बहुत लोगों की भीड़ जमा हो गई। बाद में पुलिस को खबर मिली। DYSP चौधरी सर और उनके साथ पुलिस निरीक्षक दिलीप तिड़के, उप निरीक्षक विजय कांबड़े ने अपने दल के साथ पहुंच गए। किनवट के नगरपालिका के CEO अध्यक्ष अनंत मच्छेवार, उपाध्यक्ष श्रीनिवास निम्मन्यवार, किरण किनवटकर, अनिल सेठ, गिरीश निम्मन्यवार और पत्रकार मौजूद थे। इन सब ने एक दूसरे की मदद से आग बुझाने में मदद किया है। सभी धर्म के लोगों ने अपना हाथ लगाया है। इसकी खबर किनवट के तहसीलदार नरेंद्र देशमुख को दी गई। इस आग में नुकसान का पंचनामा अधिकारी कर रहे हैं। शकुंतला विलासराव कुलकर्णी, जलमापुरा तालुका किनवट जिला नांदेड। मदद करा, मदद करा।
काही शिल्लक राहिलेलं नाही, सगळं जळून गेले कपडे सगळे, काही नाही. क्षमा करून आणि मदत करा आम्हाला. आज रोजी किनवट येथे 3 घरास अचानक आग लागून नुकसान झालेलं आहे. तहसीलदार सरांच्या आदेशानुसार आज त्याची प्रथम पाहणी करून स्थळ पंचनामा करून योग्य ते लाभार्थींना मदत देण्यात येईल, आर्थिक मदत देण्यात येईल. किनवट येथील आज वेल्मापुरा परिसरातील 100 वर्ष जुना घर श्रीमती शकुंतला कुलकर्णी यांचं घर पूर्ण जळून उद्ध्वस्त झालेलं आहे आणि त्यांच्या बाजूचं एक श्रीकांत कुलकर्णी आणि व्यंकटराव नेमाने या सगळ्यांचे घरं जळालेले आहेत. ह्याच्यातले शकुंतला कुलकर्णी यांना शासनानं जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी आमची आहे. ते पूर्ण घर माझ्या भावाचे जळून गेलेले आहे, त्यांना मदत करण्यासाठी कोणी नाही, तरी मदत करून द्या. ¡Gracias!